नमस्कार साथियों, पार्थ एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे आपको अवगत है कि आज 10 दिसंबर यानी आज के दिन कंडक्टर का एग्जाम कंडक्ट किया गया था। इस एग्जाम का आज हम जीके का पोर्शन देखेंगे। पहले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपके सामने पहला प्रश्न ये रहा, शिमला रेडियो स्टेशन कब स्थापित किया गया? आपका ऑप्शन है 1994, 1934, 1955 और 1938। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1955। अगर आपको एग्जैक्ट उत्तर देना पड़े तो इसका सही उत्तर होगा 16 जून 1955। ये प्रश्न कई बार घुमाकर भी पूछा जाता है। तो प्रश्न कुछ इस तरह से बनता है कि हिमाचल प्रदेश आकाशवाणी शिमला की स्थापना कब हुई? तब भी आपने उत्तर देना है 16 जून 1955। इसके साथ साथ हम अगर भारत की बात करें तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कहां से हुई और कब हुई। तो आपने उत्तर देना है, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत मुंबई और कलकत्ता से 1927 में हुई। इसके साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए, पहले आकाशवाणी का नाम इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन था। अंत में यहां पर एक और प्रश्न बनने की संभावना बन सकती है कि इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की जगह आकाशवाणी का नाम बदलकर कब रखा गया? तो आपने उत्तर देना है 1957 को। इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहता हूं, जो हमारे पास ये क्वेश्चन पेपर आया है ये थोड़ा धुंधला सा आया है, एडजस्ट कर लीजिए और यहाँ पर ज्यादा ध्यान आप मेरे कहे हुए शब्दों पर दीजिए। प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को शहद उत्पादन के लिए जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है चंबा घाटी, स्पीति घाटी, कुल्लू घाटी और ब्यास घाटी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चंबा घाटी। तो ध्यान दीजिएगा, कई बार प्रश्न कुछ इस तरह से बनता है कि हिमाचल प्रदेश में दूध और शहद की घाटी कहाँ पर स्थित है? तब भी आपने उत्तर देना है चंबा घाटी। इसी घाटी को हम चंबा घाटी के नाम से भी जानते हैं और जो चंबा जिले में स्थित है। इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। प्राचीन काल में हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को नगरकोट के नाम से जानते थे? चंबा, बिलासपुर, कुल्लू और कांगड़ा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कांगड़ा। अगर यहां पर आपके पास ऑप्शन त्रिगर्थ होता तब भी उत्तर सही होता। सीधा सा मतलब है कि एक बार एग्जाम में प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि कांगड़ा का पुराना नाम क्या है, तो उस स्थिति में आपने उत्तर देना है त्रिगर्थ। और ऑप्शन की तरफ रुख करते हैं, अगर प्रश्न बनता कि बिलासपुर का पुराना नाम तो आपने उत्तर करना है कैलूर, और कुल्लू का पुराना नाम तब आपने उत्तर करना था कुलुत। इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश से वर्ष 2022-23 का पद्मश्री पुरस्कार विजेता कौन है? आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर कृष्ण लाल सहगल, केदार ठाकुर, कुलभूषण और नेक राम शर्मा। ध्यान दीजिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नेक राम शर्मा। इसके साथ हमें यह पता होना चाहिए 2022-23 में 91 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार और 6 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार और 9 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए इन सभी पुरस्कारों को राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके साथ एक बात साझा करना चाहूंगा, अगर आप पार्थ एकेडमी के साथ अपनी तैयारियों को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो पार्थ एकेडमी अभी आपके लिए अनेक बैचेस लेकर आई है, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, जेबीटी, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, आर्मी, पुलिस, एलटी टेट, टीजीटी टेट, इस तरह के अनेक कोर्सेज। जल्द से जल्द एनरोल होने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिए। आपका ऑप्शन है मंडी, शिमला, कांगड़ा और सिरमौर। अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं तो सबसे पहले कांगड़ा होगा, उसके बाद मंडी होगा, उसके बाद शिमला होगा और अंत में सिरमौर होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि सूची एक का सूची दो से मिलान कीजिए। आपको यह बताना है कि जैसे नाथवा जाकड़ी किस नदी पर है, गिरिनगर किस नदी पर है, चमेरा किस नदी पर है और जो पंडो है ये किस नदी पर है। इतना आसान आसान प्रश्न आए हैं, है ना? तो ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दो। पहले बात करते हैं, नाथवा जाकड़ी सतलुज नदी पर है, क्लियर है। गिरिनगर गिरी नदी पर है, चमेरा आपका रावी नदी पर है और अंत में अगर हम बात करें पंडो ब्यास नदी पर है। इसके साथ अगर हम बात करते ऑप्शन की तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। तो ध्यान दीजिए, एक का तीन, दो का चार और तीन का दो और चार का एक। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं।
जिला सुशासन सूचकांक 2021 में हिमाचल प्रदेश के शीर्ष तीन जिले निम्न में से कौन से हैं। देखो 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कांगड़ा, बिलासपुर और ऊना। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हिमाचल प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कृषि परिचालन के अधीन क्षेत्र कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है 9.44 लाख हेक्टेयर, 23.04 लाख हेक्टेयर, 44.12 लाख हेक्टेयर और 55.67 लाख हेक्टेयर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 44.12 लाख हेक्टेयर। के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। चीन में आयोजित एशियाई पैरा खेल 2023 में भारत ने कितने पदक जीते थे। आपके पास ऑप्शन है 100, 107, 111 और 105। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 107। ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं चीन में आयोजित एशियाई पैरा खेल की जो 2023 में आयोजित हुए, जिसमें भारत ने 107 मेडलों को झड़ा था, उनमें से 28 गोल्ड मेडल थे और 38 सिल्वर मेडल थे और 41 ब्रॉन्ज मेडल थे। इतना हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। आपके पास ऑप्शन है 11 डिग्री, 10 डिग्री चैनल, अंडमान सागर और मन्नार की खाड़ी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 10 डिग्री चैनल। अब यहाँ पर ध्यान देना है, आपसे प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है कि 9 डिग्री चैनल किन किन को अलग करता है, तो आपने उत्तर देना है लक्षद्वीप और मिनिकायों के मध्य है। अगर पूछे कि 8 डिग्री चैनल, तब आपने उत्तर देना है मालदीप और मिनिकायों के बीच। इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए जो आपका मन्नार की खाड़ी है, ये तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करती है। प्रश्न के बारे में हमें इतना पता होना चाहिए। इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। फरक्का परियोजना का संबंध किस नदी से है। आपके पास ऑप्शन है गंगा, ब्यास, कोसी और तिस्ता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गंगा। जब हम गंगा की बात करते हैं तो हम फरक्का को कैसे भूल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो ये फरक्का है ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो टिहरी डैम है ये किस नदी पर है, तो आपने उत्तर देना है गंगा नदी पर। तो इससे स्पष्ट होता है कि गंगा नदी पर मुख्य तौर पर दो डैम है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, एक फरक्का डैम है और एक आपका टिहरी डैम है। इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। भारत में निम्नलिखित नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर होगा, पहले उत्तर देखने से पहले आपको पहले ये उत्तर से दक्षिण की ओर लगानी पड़ेगी सभी नदियां। सबसे उत्तर में देखिए ब्यास नदी जो हिमाचल प्रदेश में है, उसके बाद देखिए लूनी नदी जो आपकी राजस्थान और गुजरात में बहती है, उसके बाद कृष्णा नदी, अंत में कावेरी नदी। तो इसका जो क्रम रहेगा वो रहेगा 1, 3, 2, 4। तो इसका जो ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। तो ध्यान दीजिए, इसका उत्तर होगा ए। इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ रुक करते हैं। इसमें दिया गया है कि सूची एक का सूची दो से मिलान कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी इजी प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दो, बैतूल, जो बैतूल या बेथुआ जो नदी है ये आपका मध्य प्रदेश में है, एक का ए है ना, और भोजपुर बिहार में है, दो रायपुर की राजधानी, रायपुर किसकी राजधानी, छत्तीसगढ़ की, तीन और जो आनंद है ये आपका कहां पर है, ये आपका गुजरात में है। तो इसका सही उत्तर होगा 1, 2, 3, 4। सीधा मतलब है ए बी सी डी। अब देखो कहां है ए, 1, 2, 3, 4, हाँ ऑप्शन डी देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आशा करता हूं कि आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। इनमें से कौन से राज्यों में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है। आपस ऑप्शन है असम, केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जैसे आप सभी को अवगत होगा कि अगर हम भारत की बात करें स्पेशली कि भारत में जून जुलाई में मॉनसून एंटर करता है और नवंबर दिसंबर के दौरान हिमालय से यही मॉनसून टकराकर वापस चले जाता है और
जब ये दक्षिणी भारत में पहुंचता है ये मानसून, तो उस स्थिति में हमें ये पता होना चाहिए दक्षिणी भारत में एक पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट में टकराकर तमिलनाडु में वर्षा करता है और वर्षा इतनी भयंकर होती है कि बाढ़ की स्थिति बन जाती है। फिर से कह रहा हूं, अगर आप मेरे साथ ज्योग्राफी को बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं और एक एक अक्षर पढ़ना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर में आप मैसेज कीजिए, जो नंबर मैंने आपको आरंभ में दिया था। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, गाजा पट्टी का संबंध किससे है? आपके पास ऑप्शन है काला सागर, मृत सागर, तस्मान सागर और भूमध्य सागर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भूमध्य सागर। ध्यान दीजिए, जब हम भूमध्य सागर की बात करते हैं, भूमध्य सागर आपका यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। सीधा सीधा मतलब है, यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को कौन अलग करता है? तो आपने उत्तर देना है भूमध्य सागर। इसके साथ साथ हमें कई बार इस तरह का प्रश्न देखने को मिलता है कि भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो आपने उत्तर देना है सवेज नहर। के साथ जब हम बात करते हैं भूमध्य सागर की, तो हम नील नदी को कैसे भूल सकते हैं? जो नील नदी है, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जो विक्टोरिया झील से निकलती है, ये झील अपना अस्तित्व भूमध्य सागर में खोती है। इतना हमें पता होना चाहिए एग्जाम के दृष्टिकोण से, जितने मैंने तथ्य बताए सभी महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, इजराइल की विधायिका का क्या नाम है? आपके पास ऑप्शन है डाइट, मंजलिस, सेजम और केनेसेट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केनेसेट। अब अगर हम यहाँ पर ऑप्शन की बात करते हैं, जो डाइट है ये जापान की संसद का नाम है, मंजलिस भी एक संसद का नाम है, ये आपका अजरबैजान की संसद का नाम है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सेजम, सेजम एक निचला सदन है, ये आपका पोलैंड का निचला सदन है। ये हमें पता होना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, ताइवान का पुराना नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है गोल्ड कोस्ट, पर्शिया, फार्मोसा और सिलोन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फार्मोसा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं सिलोन की, सिलोन श्रीलंका को कहा जाता है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, रोहतांग दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है पीर पंजाल, दौलाधार, जास्कर और शिवालिक श्रेणी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पीर पंजाल श्रेणी में। ध्यान दीजिएगा, जो दौलाधार पर्वत श्रृंखला के बारे में अगर पूछा होता तो इसका सही उत्तर होना था कांगड़ा, कुल्लू का निचला हिस्सा और मंडी। अगर बात करें जास्कर की, जास्कर श्रेणी के अंतर्गत पड़ता है लाहौल स्पीति और किन्नौर। शिवालिक श्रेणी की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए ऊना, सोलन, सिरमौर, हमीरपुर और बिलासपुर, साथ ही साथ कांगड़ा का निचला हिस्सा, ये आपका शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी तथ्य महत्वपूर्ण है। मैं करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इसके साथ सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।